ही समय के बाद हमारे विशिष्ट अतिथि बहन जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश आपको देंगे, जिन्हें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि हम देखते हैं समाज में कि महिलाओं में सामूहिक चेतना नहीं है, उनमें सिस्टरहुड नहीं है, बहन चारा नहीं है, बहन आपा नहीं है, इसलिए उनके निर्णय मानने नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पैसा अर्न करती है, लेकिन उस पैसे को खर्च कैसे किया जाए ये अधिकार उसे आज तक प्राप्त नहीं है। एक सर्वे के अनुसार 93% संपत्ति पर आज भी पुरुषों का अधिकार है। शोचनीय स्थिति। और पिछले सालों में जब से ये बीजेपी आई है तब से तो एक सर्वे के अनुसार इंडिया इज मोस्ट डेंजरस सिटी फॉर वुमेन रिगार्डिंग मोलेस्टिंग किलिंग विद क्रुएल्टी रेपिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि यही समाज सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, हड़प्पा संस्कृति ले लीजिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता ले लीजिए, मिश्र की सभ्यता ले लीजिए, कहीं भी ये पूरा एक मात्र सत्तात्मक समाज था। आज भी कुल देवियों की जो हम पूजा करते हैं वो एक प्रतीक है उस मात्र सत्तात्मक समाज की, और उस देश की, उन साम्राज्यों की, उन रानियों और महारानियों की आज ये स्थिति हो गई है कि जब कभी वो एक बड़े बड़े रानी और महारानी थे, उनके दुर्ग थे, किले थे, नगर सभ्यताएं थी, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो एक सिंहासन पर बैठी बैठी सो गई हैं और सोते सोते वो सपना देख रही हैं कि सपने में वो भिखारिन बन गई हैं, एक एक चीज मांगनी पड़ रही है उनको अपने ही घर में। क्यों? क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर उनको जागरूक करना चाहते थे, इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब वो पढ़कर वापस आए तो उन्होंने एक महिला सम्मेलन किया और उसमें 3000 महिलाओं ने शिरकत की। उनके सभी आंदोलनों में, पानी का आंदोलन लो, मंदिर प्रवेश का आंदोलन लो, लेडीज बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, और वो खुद कहते थे कि महिलाओं को परिवार और समाज की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और राजनीति की ओर अग्रसर होना चाहिए, उन्हें मंदिर में नहीं जाना बल्कि संसद में जाना चाहिए। कैप्चर दिस टेम्पल फॉर योर इमेंसिपेशन उनका कहना था, और वो राजनीति के लिए बोलते थे कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। हमारी सभी समस्याओं का समाधान राजनीति में है, और बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी हमारे साथ नेत्री हैं जो कि सत्ता के साथ साथ समाज और व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहती हैं, इसीलिए वो समय समय पर पुरुषवादी सत्ता पर न केवल चोट करती हैं बल्कि उनकी षड्यंत्र को भी विफल करती हैं। उन्होंने ये सब करके दिखाया है अपने शासन में। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आप जाकर देखेंगे कि एक छोटे से परिवार में भी उन्होंने परिवार के भी एक महिला सदस्य को जमीन के पट्टे दिए, संपत्ति का अधिकार दिया, और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से, महिलाओं से ये खास निवेदन करती हूँ कि कृपया इस ओर ध्यान दें, और असली जो मात्र सत्तात्मक समाज है जो बनाना चाहती हैं बहन जी, उसमें उनको उनके साथ बहनापा स्थापित करते हुए उनका साथ दें, और प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में अपने वोट डालकर उनको प्रधानमंत्री बनाएं। जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन गए उसी दिन ये वापस देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। यह आसमान, ये हवाएं, ये 6 ऋतुएं जहाँ जीवन का जन्म लेना, पलना और पोषण होना बहुत ही आसान है। ये धरती, ये उपजाऊ धरती, ये धरती के अंदर मेटल, सोने, चांदी, हीरे, और ये तीनों दिशाओं में पानी, और पानी के अंदर सीपी और मोती और जवाहरात आदि, ये हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ लुटेरों ने लूटा है हमको, एक बहन जी है जो हमें बचा सकती है, इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ उनको वोट देकर बहन जी को इस बार पीएम जरूर बनाना है। ये मेरी आपसे खास निवेदन है। थैंक यू।